सदगुरु बता रहे हैं बच्चों की परवरिश के 5 टिप्स जो बच्चों के पालन पोषण में माता पिता के बहुत काम आ सकते हैं। चाहे आप माँ हो, पिता हो या आप माता पिता बनने वाले हो, यह परामर्श आपके बहुत काम आ सकते हैं। माता पिता बनना एक विचित्र अनुभव है। आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो आज तक कोई नहीं जान पाया कि उसे अच्छी तरह कैसे किया जाए। चाहे आपके 12 बच्चे हो तब भी आप सीख ही रहे होते हैं। हो सकता है कि आपने 11 बच्चे अच्छी तरह पाले हो मगर 12वें में आपको परेशानी हो सकती है। तो पहला, सही माहौल बनाएं। जरूरी माहौल तैयार करना बच्चों के पालन पोषण में एक बड़ी भूमिका निभाता है। आपको सही तरह का माहौल तैयार करना चाहिए जहां खुशी, प्यार, परवाह और अनुशासन की एक भावना आपके अंदर भी और आपके घर में भी हो। आप अपने बच्चे के लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उसे प्यार और सहारा दे सकते हैं। उसके लिए ऐसा प्यार भरा माहौल बनाएं जहां बुद्धि का विकास कुदरती तौर पर हो। एक बच्चा जीवन को बुनियादी रूप में देखता है, इसीलिए आप उसके साथ बैठकर जीवन को बिल्कुल नएपन के साथ देखें जिस तरह वह देखता है। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा जीवन में वही करे जो आपने किया। आपके बच्चे को कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके बारे में सोचने की भी आपकी हिम्मत नहीं हुई, तभी यह दुनिया आगे बढ़ेगी और उपयोगी चीजें घटित होंगी। मानव जाति की एक बुनियादी जिम्मेदारी है कि वे ऐसा माहौल बनाएं जिससे इंसानों की अगली पीढ़ी आपसे और हमसे कम से कम एक कदम आगे हो। यह बहुत ही अहम है कि अगली पीढ़ी थोड़ी और खुशी से, कम डर, कम पक्षपात, कम उलझन, कम नफरत और कम कष्ट के साथ जीवन जिए। हमें इसी लक्ष्य को लेकर चलना चाहिए। अगली पीढ़ी के लिए आपका योगदान ये होना चाहिए कि आप इस दुनिया में कोई बिगड़ेल बच्चा न छोड़कर जाए। आप एक ऐसा इंसान छोड़कर जाए जो आपसे कम से कम थोड़ा बेहतर हो। टिप नंबर 2, जरूरतों को जाने। कुछ माता पिता अपने बच्चों को खूब मजबूत बनाने की इच्छा या चाह के चलते उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट में डाल देते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे वह बने जो वे खुद नहीं बन पाए। अपने बच्चों के जरिए अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने की कोशिश में कुछ माता पिता अपने बच्चों के प्रति बहुत सख्त हो जाते हैं। दूसरे माता पिता मानते हैं कि वे अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चों को इतना सिर चढ़ा लेते हैं कि उन्हें इस दुनिया में लाचार और बेकार बना देते हैं। एक योगी थे जो कश्मीरी शैव नामक एक खास परंपरा से ताल्लुक रखते थे। ये योग के 7 प्रकारों में से एक है। ये योग का बहुत शक्तिशाली तरीका है मगर यह मुख्य रूप से कश्मीर इलाके में सीमित है, इसलिए इसे यह नाम मिला। एक दिन इस योगी ने एक ककुन देखा जिसमें थोड़ी सी दरार थी और उसके अंदर मौजूद तितली बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। ककुन का खोल बहुत सख्त था। आमतौर पर तितली ककुन से बाहर आने के लिए लगातार लगभग 48 घंटे संघर्ष करती है। अगर वह बाहर नहीं आ पाती तो मर जाती है। योगी ने यह देखा और करुणावश उन्होंने अपने नाखून से ककुन को खोल दिया ताकि तितली आजाद हो सके, मगर जब वह बाहर आई तो उड़ नहीं पाई। ककुन को तोड़कर बाहर आने का संघर्ष ही तितली को इतना मजबूत बनाता है कि वह अपने पंखों का इस्तेमाल करके उड़ सके। उस तितली का क्या काम जो उड़ ही न सके। बहुत से लोग अपने बच्चों को लाड प्यार में ऐसा ही बना देते हैं। ऐसे बच्चे अपने जीवन में ऊंचाइयों को नहीं छू पाते।
सभी बच्चों पर एक ही नियम लागू नहीं होता, हर बच्चा अलग होता है। ये एक खास विवेक है। इस बारे में कोई सटीक रेखा नहीं खींची जा सकती कि कितना करना है और कितना नहीं करना है। अलग अलग बच्चों को ध्यान, प्यार और शक्ति के अलग अलग पैमानों की जरूरत पड़ सकती है। अगर मैं नारियल के बाग में खड़ा हूं और आप आकर मुझसे पूछे कि हर पौधे में कितना पानी देना है, तो मैं कहूंगा कम से कम 50 लीटर। लेकिन अगर आप घर जाकर अपने गुलाब के पौधे में 50 लीटर पानी डाल दे तो वह मर जाएगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में किस तरह का पौधा है। टिप नंबर 4, बच्चे से सीखे। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, शिक्षक बनने का समय शुरू हो जाता है। जब एक बच्चा आपके घर में आता है तो यह शिक्षक बनने का नहीं, सीखने का समय होता है। क्योंकि अगर आप अपनी और अपने बच्चे की ओर देखें, तो आपका बच्चा ज्यादा खुश होता है ना? इसलिए ये उनसे जीवन के बारे में सीखने का समय है, सिखाने का नहीं। आप बच्चे को बस एक चीज सिखा सकते हैं, जो आपको कुछ हद तक सिखाना पड़ता है कि दुनिया में किस तरह जीवन यापन से जुड़े काम करें। मगर जब खुद जीवन की बात आती है, तो एक बच्चा अपने अनुभवों से जीवन के बारे में ज्यादा जानता है। वह जीवन है, वह जीवन को जानता है। आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप अपने मन पर थोपे गए प्रभावों को दूर कर दें, तो आपकी जीवन ऊर्जा जानती है कि कैसे रहना है। यह आपका मन है जो नहीं जानता कि कैसे रहना है। एक वयस्क हर तरह का कष्ट खुद पर ओढ़ने में माहिर होता है। यह सब कष्ट उसके मन में होते हैं। बच्चा अब तक उस स्थिति तक नहीं पहुंचा है, इसलिए यह सीखने का समय है, सिखाने का नहीं। और टिप नंबर 5, उसे अपने तरीके से रहने दे। अगर माता पिता अपने बच्चों की वाकई परवाह करते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों को इस तरह पालना चाहिए कि बच्चे को माता पिता की कभी जरूरत ना हो। प्यार की प्रक्रिया हमेशा आजाद करने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, उलझाने वाली नहीं। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे को चारों ओर देखने परखने, प्रकृति के साथ और खुद अपने साथ समय बिताने दे। प्यार और सहयोग का माहौल बनाए। उस पर अपने नैतिक मूल्य, विचार, धर्म या और कुछ थोपने की कोशिश न करे। बस उसे विकसित होने दे, उसकी बुद्धि को विकसित होने दे। सिर्फ एक इंसान के रूप में उसकी अपनी शर्तों पर जीवन की ओर देखने में उसकी मदद करे। परिवार या आपकी धन दौलत या किसी और चीज से उसकी पहचान न बनने दे। एक इंसान के रूप में जीवन की ओर देखने में उसकी मदद करना उसकी खुशहाली और दुनिया की खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। यह आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा निवेश होगा। अगर आप अपने बच्चे को प्रोत्साहित करें कि वह अपने बारे में सोचना सीखे, उसके लिए क्या बेहतर है ये जानने के लिए अपनी बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करना सीखें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपका बच्चा सही तरीके से विकसित होगा, आनंदित और शांत रहे। अगर आप अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद खुश रहना चाहिए। अगर आपके बच्चे को घर में रोजाना तनाव, गुस्सा, डर, चिंता और ईर्ष्या देखने को मिलती है, तो उसका क्या होगा? पक्के तौर पर वह केवल इन्हीं से सीखेगा, है ना? अगर आप वाकई अपने बच्चे का अच्छी तरह पालन पोषण करने का इरादा रखते हैं, तो आपको खुद को एक प्यार करने वाले, आनंदित
और शांत इंसान में बदलना होगा। अगर आप खुद को बदलने के काबिल नहीं हैं, तो अपने बच्चे को अच्छे से पालने का सवाल कहां उठता है? अगर हम वाकई अपने बच्चे को अच्छी तरह पालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि क्या हम खुद को रूपांतरित कर सकते हैं। जो भी माता पिता बनना चाहते हैं, उन्हें एक साधारण सा प्रयोग करना चाहिए। उन्हें बैठकर देखना चाहिए कि उनके जीवन में क्या ठीक नहीं है और उनकी जिंदगी के लिए क्या अच्छा होगा। बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि खुद उनके लिए। अगर आप अपने बारे में अपना व्यवहार, बातचीत, रवैया और आदतें 3 महीने में बदल सकते हैं, तो आप अपने बच्चे को भी समझदारी से संभाल सकते हैं। धन्यवाद।